हेल्थ प्लस प्रो में थोड़ा सब का स्वागत है। आज असं तुम्हें लेके चल रहे हैं श्री बालाजी डायग्नोस्टिक एडवांस इमेजिंग एंड फैटल मेडिसिन सेंटर, जो कि वै तीरथ राम बिल्डिंग ऑपोजिट सिविल हस्पताल मेन बाजार मोगा विखे है। मिति 18 अप्रैल को श्री बालाजी डायग्नोस्टिक की ग्रैंड ओपनिंग हुई है। इस मौके साड़ी टीम ने डॉक्टर वरुण सूजी नाल गलबात की, जो कि MD रेडियो डायग्नोसिस स्पैशल इन फैटल इको फैलोशिप इन फैटल मेडिसिन एंड इंटरवेंशन ने। डॉक्टर वरुण सूजी वालों विशेष तौर पर कहा गया कि पहले 1000 टेस्ट करवाने आए पेशेंट्स को विशेष तौर पर रिहा दी जाएगी। ग्रैंड ओपनिंग के विशेष मौके मोगा के MLA श्री हरजोत कमल विशेष तौर पर पुजे। डॉक्टर वरुण सूद जी ने सानू श्री बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर बारे विस्तार नाल जानकारी दी। डायग्नोस्टिक सेंटर जिहड़ा के मोगा विखे आपां देख सकते कि हार्ट ऑफ द मोगा बिल्कुल सिविल हॉस्पिटल के सामने जिहड़ा खुलन लग्या हैगा अज्ज, और यह वो हॉस्पिटल जिहदे च डॉक्टर सूद जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सेवा की है मोगे वासियां दी, और डॉक्टर जयजी सूद जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जिहड़ी हैगी आ वो सेवा दे विच निभाई आ। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट उन्होंने सेवा की है, और हुण उन्होंने बेटा जिहड़ा ये डायग्नोस्टिक सेंटर लैके आ रहा है। अज दा मुहूर्त हैगा, शुभ मुहूर्त, असीं आए हैं इत्थे अवलोकन करने दे लई, ते मिलदे हैं इत्थे, देखदे हैं कि की इत्थे। असीं डॉक्टर वरुण सूद जी दे नाल एक ऐसा बच्चा जिहदे मदर फादर ने सारी जिंदगी सेवा कीती है सिविल हॉस्पिटल मोगा की गल कर लीए, बाघा प्राण की गल कर लीए, आस पास के इलाके की गल कर लीए, डॉक्टर संजीव सूद और डॉक्टर डेजी सूद और उन्होंने ये अंश ये बेटा साडा जिहड़ा सेवा लैके आ रहा है मोगा वासियों के लिए। बेटा की कहना चाहोगे कि एक्सरे मशीन तो असं बहुत ज़्यादा देखिया, पर एक यूनीक किस्म की एक्सरे मशीन है कि ये की फीचर्स की ने कहना चाहोगे? सर एक तो अपने नवा मैं मोगे सब तो एडवांस सीयर सिस्टम लैके आ रहे हैं, जिदे अपना कितने भी अपना पोर्टेबल अपना करना चाहिए, ये वैसे भी कोई छोटे बच्चों के लगे कोई भी प्रोसीजर जो कॉम्प्लीकेटेड आप कन्वेंशनल रेडियोलॉजी के होंगे, बेरियम हो गया, IVP हो गया, SHG हो गया, जो बड़े बहुत ही रिफाइंड तरीके बहुत ही इंप्रूव तरीके क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा यदि पुरानी मशीन नालों बहुत काफ़ी कई गुना अच्छी हैगी है, तो इस करके यदि क्वालिटी वाइज तो टैक्नोलॉजी वाइज बहुत इंप्रूवमेंट जी आप मोगे पहली बार देखने को मिलेगी। और इकोनॉमिक्स दे विच ये तो नहीं कि मतलब भी जो आम एक्सरे नालों इकोनॉमिक्स लई इकोनॉमिकली ज़्यादा हाई हो जाए? नहीं नहीं, इकोनॉमिकली रेट बिल्कुल वही सेम रेट है, कुछ भी वादा नहीं किया गया, रेट बिल्कुल सब सेम ही रखे गए हैं। पर मशीन तुसी मतलब मॉडर्न लाई हैं पर रेट वही? हाँ जी रेट वही है जी, रेट बिल्कुल कोई वादा नहीं किया गया, गरीब जनता लई वैसे भी स्पैशल छूट हैगी है, तो उस पास कोई कमी नहीं, सेवा पूरा पूरा मोगे वासियां सेवा की जाऊगी। और पहले जो 1000 केस आ जिस तरीके सोचा हुआ पहले जो 1000 केस आ उन्होंने चाहे कोई गरीब आ जाए चाहे अमीर आ जाए उन्होंने लिए भी कोई ना कोई 10-15% होर जो एक्सट्रा जो डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने बेनीफिट मिलेगा पहले 1000 पेशेंट्स? बिल्कुल सर बिल्कुल, 1000 पेशेंट्स लिए आप खास छूट रखी है, तो कोई BPL कार्ड होल्डर है तो वैसे कोई गरीब तबके का लोग है वो वैसे भी आप स्पैशल रियायत की गई है, कोई उस पास नहीं किया गया कि आप जिनी रियायत वो आप कर सकते हैं उन्नी आप रखी गई, मतलब आम बंद भी 10-15% का मतलब आप सोच के चलिए ना कि जो पहले 1000 पेशेंट? बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, रियायत का आप पूरा ध्यान रखा जाऊगा, तो कोई भी बंदा भावें गरीब तबके का अमीर तबके का वो बराबर आप रियायत रखी रखी है 1000 पेशेंट्स। डॉक्टर वरुण जी तुहाडे लई बहुत वधिया वधिया चांसिस सीगे बाहर सैट होण दे, तुसीं इक ऐसी फील्ड नाल जुड़े हुए सीगे, किवें तुहाडे मन च आया कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करां और सोसायटी की सेवा करां जिस तरीके नाल तुहाडे मदर फादर ने सारी जिंदगी मोगा जिले नूं दित्ती हैगी आ और सेवावां कीतियां हैगियां आपदे बहुत ही साफ सुथरियां सेवावां और
अज तक की जी उन्होंने सेवा हैगी सारे जिथे जिथे उन्होंने सेवा की है सारे लोग याद करते हैं। किवें तुहाडे मन च आया कि मैं अपने मदर फादर का एक अखां का तारा बन के रहा, क्योंकि अजकल आप देखा गया कि जो बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं तो माँ बाप दी अखां तो उज्जवल होकर खुश रहते हैं भी असं बाहर जाके अपने प्रैक्टिस करिए असी होर अपने आप को करिए, और माँ बाप जोड़े है वह बेचारे परेशान रहते हैं। और किस तरीके उन्होंने अखा के तारे बन के मोगे विखे अपनी सेवा का सोचा और मोगे विखे ऐसी मशीनरी लैके आए हो और रेट्स आ जोड़े वो बिल्कुल ही रीजनेबल ने, की कहना चाहूँ सर? मैं शुरू तो साड़ा फैमिली का जुड़ाव रहा मोगे का, साढ़े 400 साल का मोगे का पुराना जी साढ़े पुश्ते सारे इतने पुराने मोगे से लैके साडा पुराना मतलब मोगे जितने मोगा डिवेलप हो साडे पुश्तां ने नाल नाल मोगे के नाल योगदान पाया है। तो मम्मी पापा ने इन्ने साल मोगे के सिविल अस्पताल सर्विस की तो जो उस करके जो बेस है जो उन्होंने रिगार्ड मिलता है जो रिस्पैक्ट मिलती है प्यार मिलता है तो आम मोगे जो अपना सोशली उठना बैठना लोगों ने इन्ना प्यार है रिस्पैक्ट मिलती है उस चीज़ को देख के, क्योंकि व्डे शहर ना तो एक प्यार मिल पाता ना तो एक अफेक्शन मिल पाती है जी तो छोटे शहर मिलती हैगी है। तो वैसे भी मैंने शुरू तो सगा कि जी इतने सिविल जो मम्मी पापा ने गरीब तबके सेवा की तो उस करके जरा एप्रीसीएशन मिलती है जी मतलब वर्थलैस होंगी है जी वेरी मतलब जी बेस्ट होंगी है कि आप किसी बंद तो दे सकता है जो आउट ऑफ अफेक्शन तो कोई बंद रिस्पैक्ट देता है तो मैं वो चीज़ देखना चाहता सगा। तो दूजी गल जी नवी मशीनरी बारे मैं गल करना चाहूँगा जी मोगे आप फीटल के बारे या बच्चों के बारे प्रैगनेंसी के जोड़े अजन्मे बच्चों के जी आप नवी चीज़ लैके आ रहे हैं वो एक फीटल इको हैगी जो वड्डियां दे विच आप सुने इको करते हैं कोई दिल की प्रॉब्लम आ जाए छोटे बच्चों के कोई बच्चा जमया नहीं है या वैसे वो कोई लगता है पहला फस्ट बेबी प्रॉब्लम सी या रिश्तेदारी किसी प्रॉब्लम आ रही है या मदर फादर में प्रॉब्लम सी आप बच्चों की भी इको कर सकते हैं बच्चे का दिल का अपना वड्डियां साइज़ का बहुत वड्डा होंगे तो बच्चों का हार्ट साइज़ का बहुत ही छोटा जहाँ तो वह भी एक एक चैंबर एक एक वॉल्व आप चैक करना सब कुछ करना तो वो एक नवी चीज़ है जी पहला सिर्फ चंडीगढ़ या दिल्ली होंगी होंगी सी तो आप हम छोटे शहरों के इस लैवल से लैके आ रहे हैं कि मरीज़ को दूर जाना पैंता जो खर्चा सिर्फ आन जान ची या रहन ची उ बहुत खर्चा हो जाता है। कि मशीन हैगी जी लैके आए हो? सर सैमसंग की मशीन हैगी है तो काफ़ी एडवांस मशीन है सारे जो अपने 3D 4D HD वाले तो उस तो बाद जो प्रोसीजर लीक हार्ट के आप देख स्पैशल रेजोल्यूशन चाहिए होंगी जी आप मैग्नीफिकेशन के काम कर सकते हैं जिमें आप कहने जिनी टेक्नोलॉजी एडवांस होंगी उन्नी आप बरीकी जा सकते हैं इस करके ये जी सारी चीज़ें मौजूद है जी आम हार्ट के जो बहुत ही छोटा होंगे बच्चों का उस देखने लिए आपको सहूलत प्रोवाइड करती हैगी है। एंड सर की कल मतलब फीटल के लिए करोगे कि वैसे भी जो वे लोग उन्होंने भी स्कैनिंग के लिए भी मैं रेडियोलॉजिस्ट हैगा मैं जनरल सारी रेडियोलॉजी का ही सारे स्कैनिंग मैं करता है लेकिन मेरी स्पैशलिटी है कोई फीटल वाली हैगी है फीटल के भी मैं कुछ प्रोसीजर जोड़े होंगे है कि आप चलो इको कर लिए आपको लगता है कोई हट पैर या किसी लगता भी कोई नुक्स हो सकता है लेकिन वी आर नॉट वेरी श्योर कि है कि नहीं है कई बार कोई IVF प्रेगनेंसी है कोई प्रेशर के पेन 10 साल बाद बच्चा होया तो वी डोंट नो कि वैदर कि बच्चा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए तो वह आप एमनियोसेंटिस CVS राही बच्चों के आप उन्होंने बच्चों का पेट का सैंपल लैके आप एक नीडल पा के पानी लैके करते हैं चैक तो वह आप पता लगता कि जीन या क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है कि नहीं है जो आप प्रॉब्लम नहीं हैगी है तो आप बच्चा जो रखना चाहते हैं तो इट्स बैटर कि आप बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं आप उस प्रैगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं जो आप लगता है कि जीन उस पानी के कोई प्रॉब्लम आई हैगी है तो वह आप फिर आप बच्चा देख लें कि आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते जिमें आप खून का सैंपल लेंगे सके उन्ना ही सिंपल काम है लेकिन वो थोड़ी बहुत स्पैशल टेक्निक चाहिए होंगी जिद मैं एडवांस ट्रेनिंग की हैगी तो जी आप मोगे लैवल से शुरू करा। एंड असर की सोचिए जिम्मे 7 माह मुंडे बच्चे है या 8 माह बच्चे है वह आम तौर पर देखा गया कि सैरीब्रल फ्लूइड की या कोई होर प्रॉब्लम की मतलब ये कहना चाहोगे कि वह पहले ही हम पता लग जूगी कि अगर कोई उस अबनॉर्मैलिटी जन्म के समय आने वाली हैगी तो बारे काफ़ी ज्ञात अपन पहले ही हो जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल जी प्रॉब्लम आदि है बच्चों के आप लगता भी 7-8 महीने पता लगे आपको पहले नहीं पता लग पाया आप कहने हम बच्चे प्रैगनेंसी नहीं बढ़ चुकी है हूँ आप कुछ कर नहीं सकते उ आप स्पैशल जो स्कैन करते हैं वह अपना यह होंगे भी जी चीज़ें आप देखना चाहते थे पहले नहीं पता लगदियाँ सियाँ पहले पता लग जाती क्योंकि 20 हफ्ते तक आप अपने को ऑप्शन गवर्नमेंट देती हैगी आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं तो किसी बच्चे जो शुरू तो प्रॉब्लम आ गई तो इट्स बैटर कि एक बच्चे का मूँह पै जाता है प्रैगनेंसी आप कंटिन्यू करते हैं 8-9 महीने की उस तो बाद फिर आप समझ लगता भी बच्चे का की करिए जो बच्चा लाइव बॉर्न भी हो जाता उस तो बाद भी सूँ समझ लगता भी बच्चे का मूँह पै जाता भी ना बच्चे रखने जोगे इलाज करा के भी कोई बहुत फायदा नहीं होंगे इस करके पेरेंट्स को ट्रॉमा ना दिता जाए तो बैटर कि आप पहले इंट्रैक्शन हो जाए। दसा मुहूर्त का अच्छ शुभ मौका है अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे डिग्निटीज जो इतने पहुंचे हैं और स्वामी जी ने भी अपने जो चरण पाया की कहना चाहोगे? सर मैं बहुत आभारी हाँ जो डिग्निटरीज जिन्होंने मेरे तो मैं मेरा तो यह कोई स्टैंडिंग नहीं है मेरे फादर मदर करके जिन्हों का प्यार अफेक्शन है वो करके मैं अपने आशीर्वाद देने अपनी ब्लैसिंग देने पहुंचे है
तो बहुत वड्डी गल है मेरे लिए कि मैं तो मैंने तो कोई हजे कोई जानता भी नहीं है, लेकिन उस तो बाद भी मेरा इन्ना लोगों ने प्यार सत्कार किया, तो मैंने इन्ना मान दे रहे हैं, तो बहुत वड्डी गल है मेरे लिए, तो मैं बहुत मैं भावी और अपने महसूस कर रहे हैं। मेरे को कहने शब्द धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारे का, बहुत आशीर्वाद थोड़े वालों सर, थैंक यू जी।